आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी को मंत्री गृह पर्यटन एवं संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन, आप सबकी जोरदार तालियां चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबले पहली ताम्रध्वज जी आपके बहुत बहुत जोहार में करना चाहता हूँ। काबर की 15 बच्छर के बाद जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार आए हे तो हमार मुखिया जब गोठिया थे छत्तीसगढ़ी माँ, तो मोला लगते है आज हमार साहू जी से भी हमन छत्तीसगढ़ में गोट बात करबो, कैसे ढंग से विकास के मापदंड लेके मन आगू बढ़ाते एक ऊपर चर्चा करबो। तो मोला लगता है शुरुआत कर देना चाहिए। साहू जी, 15 बच्छर तक आप मन सत्ता ले बाहर रहे हो, आप मन देखे हो कि कैसा ढंग से छत्तीसगढ़ के विकास है चलत रही से। और जब आप मन यहाँ आए हो, एक बहुत प्रमुख जिम्मेदारी आप मन करा हवे, गृह है, PWD है, जेल है, संस्कृति है, पर्यटन है, अब बड़कन जिम्मेदारी है। तो सबले पहले तो मोला लगता है यही जानना चाहूँ कि का कुछ ऐसे मापदंड आप मन रखे हव कि ए दिशा में आप मन आगू बढ़ू और कुछ नवा छत्तीसगढ़ के मन के मन ल दू। सबसे पहली तो मैं आप छत्तीसगढ़ी में प्रश्न करे तेकर बर धन्यवाद देत हूँ आपला। और छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ के सरकार है, तो छत्तीसगढ़ ही में सब काम काज होना चाहिए, ये मोर मानना है। और हमार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बड़ा स्पष्ट मानना है कि हमार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति के हिसाब से सब काम काज चलना चाहिए। रही सवाल आपके प्रश्न के कि 15 साल हमन सरकार से बाहर रहन, अभी सरकार बन गए तो नवा का सोचत हन हमन। 15 साल सरकार में नहीं रहे के अनुसार और वो समय में जब हमन विपक्ष में रहन, तो हमार मन के कल्पना रहा है कि बहुत मुश्किल से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो है। और छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो है तो यहाँ छत्तीसगढ़ के जनता के आवश्यकता, ओकर समस्या, ओकर अनुसार योजना बनना चाहिए, बिल्कुल ओकर अनुसार विकास के काम ला संचालित होना चाहिए और मतलब वो ढंग से सुविधा मिलना चाहिए। हमन 15 साल में अनुभव करें कि वो दिशा में काम नहीं हो है। मैं ये नहीं कहूँ कि कोनो सरकार काम नहीं करे, जैन भी सरकार रही थे कुछ न कुछ तो काम कर ही जी। लेकिन छत्तीसगढ़ के रहवैया मन के मूल आवश्यकता के हिसाब से जोन काम होना रही तेन नहीं हुई। अब हमार मुख्यमंत्री के और हमार मंत्रिमंडल के बड़ा स्पष्ट सोच है कि हमन छत्तीसगढ़ के जनता के मूल आवश्यकता ल समझन, ओकर समस्या ल समझन, ओकर पीड़ा ल अनुभव करन और ओकर अनुसार हमार योजना बनना चाहिए। और ओकर अनुसार फिर योजना बन के राशि के व्यवस्था करके विकास काम ल संचालित करना चाहिए, हमार सरकार के बड़ा स्पष्ट सोच है। बिल्कुल संकल्प है। और जैसे कि सरकार बने के बाद अब तक एक के बाद एक बड़े बड़े निर्णय कांग्रेस करत हवे, यहाँ एक तो बात होती है कि जब बहुमत आप मन ला मिले है एक सीधा साफ मायने है कि जनता ला बहुत उम्मीद है आप मन ले। अगर विकास के बात करें तो सबले ऐसे लगते कि अधोसंरचना के विकास या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ला डेवलप करे के जो बात होती वो डहार कैसे लगते आप मन ला कि का काम हो रही से और का अभी करना चाहिए। 5 साल भर अगर सरकार है मान लो तो कैसे लगा थे कि ये दिशा में कतका काम हो रही से विकास भर और कतका काम करना बाकी है अभी। सरकार बने के बाद जहाँ तक अधोसंरचना के प्रश्न है या अन्य विकास के प्रश्न है, हमारे मन के बड़ा स्पष्ट मानना है कि हमन जिसे मैं पहली कह कि छत्तीसगढ़ के आम जनता के हित के अनुसार निर्णय हो। हमन है कहूँ 8-10 मंजिल बिल्डिंग ले बना देन और गांव में हमार सड़क नहीं गए है तो ये विकास के कोई मायने नहीं है। बिल्कुल तेकर से थी हमार मन के प्राथमिकता है हर वो चीज जे छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल के गांव में रहवैया किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, बेरोजगार हो, इखर आधारित उकर समस्या लग के आधारित योजना हमन बनान और वो दिशा में हम आगे बढ़न, ये हमार मन के पहली प्राथमिकता है। और वो दिशा में अभी के जोन हमार बजट बने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री भी है, तो वो दिशा में जेन ओकर एक नारा वो दे है नरवा गरवा घुरवा बारी के, वो कॉन्सेप्ट हमन सामने रख के सारा योजना बनाथन। आप देखे हो सरकार बनते भार जिसे किसान मन के कर्जा माफी के बाद हमन हाँ
लोकसभा में भी रहूँ, अन्य राज्य मन के भी बात हमन देखन, हमरो राज्य में हो है किसान मन कर्ज से लद के आत्महत्या कर ले, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़ा स्पष्ट सोच कि किसान ल छत्तीसगढ़ में आत्महत्या करेल मत लागे, तो सीधा सीधा किसान के पूरा कर्जल माफ़ कर दो ताकि किसान स्वावलंबी हो और ये पीड़ा से बच जाए। धान के जहाँ तक प्रश्न है, बहुत अकन बात आवे धान समर्थन मूल्य में खरीदी के बाद, धान के बोनस के बाद, तो चुनाव के पहली जन घोषणा पत्र तैयार करेगी और मैं समर्थन मूल्य धान के बोनस जतका आते हमन 2500 रुपया में खरीदबो, बाकी राशि ला हमार सरकार दी, तो वह दिशा में मैंने कुल मिला के गाँव गरीब किसान हमन किसान ला आधारित, गांव ला आधारित, गांव के जनता के आधारित योजना बना जाते हैं। मतलब गांव ला अगर विकास ले जोड़ना है साहू जी तो रद्दा तो पहुंचना चाहिए वहां पर, रद्दा पहुंची तबे वो शहर ले जुड़ी और तब कहूँ जाके वो विकास के रद्दा में आगे बढ़ी। अगर ये चुनई ला हमन देखन जब बहुमत में आए हवा, बस्तर जो एक ऐसे हमार चिन्हारी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक खूबसूरती नदियाँ झरना अबड़कन है, लेकिन चुनौती भी बहुत है यहाँ। आप मन लगते कि ये चुनौती जो है वो नक्सली इलाका में विकास के बात हुई, इहूँ अधोसंरचना के बात में करूँ, एक तो नक्सल मामला एक अलग हो जाते हैं आपके वो ओकर बात दूसरा बात करूँ, विकास कैसे करूँ, काबर के सड़क बना थे सड़क ल खोद देते हैं, गाड़ी जाते नक्सली गाड़ी ला जला देते, स्कूल बनते स्कूल भवन ला तोड़ देते, तो ये चुनौती पर कैसे ढंग के निपटूँ, काबर के सबले ज़्यादा मुला लगते सीट उहे ले मिले है पूरा पूरा एक ठन ला छोड़ दे जाता, तब जिम्मेदारी भी ज़्यादा होगी वहाँ ले, कैसे करिए। नक्सल क्षेत्र के जहाँ तक प्रश्न है, विकास के प्रश्न है, दो अलग अलग, जिसे आप कहे हो कि नक्सली समस्या उन्मूलन एक अलग मुद्दा, और वनांचल क्षेत्र में सड़क निर्माण या अन्य अन्य विकास कार्य जो करना है एक अलग मुद्दा। हमर मन के प्रयास है अभी 1400 किलोमीटर से ज़्यादा के सड़क वनांचल क्षेत्र में बना चुके हैं, अभी लगभग 500 किलोमीटर सड़क हमर बन जाते हैं, अभी हमन 1000 किलोमीटर सड़क फिर से नक्सल क्षेत्र में बनाए के प्रस्तावित करे हैं। हमर मन के मानना है कि सड़क ला अंदर तक ले जान ताकि आवागमन हो जाए, तो गांव के बस्तर अंचल के जिन आदिवासी है ते मन मूल धारा से जुड़त जाही तो स्वयं नक्सल समस्या से अलग हो जाही, तो हम दूरस्थ अंचल में सड़क निर्माण के दिशा में सर्वाधिक ध्यान देते हैं, विशेषकर बस्तर अंचल में। अच्छा, दूसरा यही से जुड़े दूसरा जो पहलू है, नक्सली चुनौती से अगर निपटे नहीं जाए तो वहाँ विकास हो नहीं पाही, दोनों एक चीज जुड़े हुए है, अगर आपला विकास करना है तो आपला नक्सला रोकना पड़ी, ओकर नियंत्रण करना पड़ी, काबर के ओमन थोड़ा दिन शांत रहते फिर एक ठोन बड़े अपन आमद दर्ज करा देते हैं, तो ऐसे में अगर नक्सली चुनौती ला नहीं निपटे जाही तो विकास तो बाधित होबे करही, तो ओकर पर कैसे ढंग के अपन मापदंड बनाए हो, कुछ योजना बनाए हो। नक्सल समस्या के उन्मूलन के जहाँ तक प्रश्न है, अभी सरकार बने के बाद, सरकार बनी नवा और तत्काल विधानसभा सत्र आगे और ओकर बाद लोकसभा चुनाव आगे हैं, अभी नक्सल उन्मूलन के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट तौर पे घोषणा करे है कि हमन सीधा सीधा गोली चलाए के बजाय पीड़ित परिवार मन से पहली संपर्क करबो कि वो मन का चाहत है, वहाँ के जनप्रतिनिधि मन से संपर्क करबो कि एकर निदान कैसे हो सकते है, अधिकारी मन से चर्चा करे जाही कि ओमन अतका दिन के नक्सली उन्मूलन अभियान में ओमन लगे हैं तो वो मन का अनुभव करते, वहाँ के हमारे समाचार पत्र वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया है, उखर मेर का जानकारी है, ये सब जानकारी एक अलग अलग मीटिंग करके चर्चा करके और पूरा जानकारी एकत्रित करे के बाद वो दिशा में हमारे कदम आगे बढ़ी। एक तो एक ये पहलू है, दूसरा पहलू है हमार मन के सोच ये है कि विकास ल वहाँ अंदर तक अतिक तेज गति से जल्दी पहुँचाया जाए ताकि नक्सली उन्मूलन स्वयं ओमन दूर हट जाए, वहाँ के रहवैया वनांचल में जो अंदर में रहते हैं आदिवासी ओमन ला विकास से जोड़े जाए ताकि ओमन हा विकास ला देख के जुड़ के शिक्षा के स्वास्थ्य के ये सुविधा दे के बाद तब ओमन ला एक विश्वास हो सरकार के प्रति
और उनकर मन के झांसम नहीं आके वो मन खुदे सहयोग करेल धरही एक यहू दिशा हो सकते नक्सली। अच्छा नक्सली इलाका में यहू रही से ना कि जो न स्कूल हारे स्कूल भवन ला तोड़ दिन फिर वो लड़का मल्ला रमन सरकार काम करी से डहार आप ला लगते कि ये डहार आओ कुछ आगे बढ़ के काम करे के जरूरत है काबर की पढ़ाई लिखाई ला लड़का मन के आगू बढ़ावो तब वो आगे जाके मोला लगते कि ये जो नक्सली चुनौती है एला निपटेल पड़ी। आप ला का लगते कि पढ़ाई बढ़ जो स्कूल भवन है तोड़ दे जाते तो वैकल्पिक इंतजाम कत का जरूरी देखते हो आप? जहाँ तक हमार विकास आगे बढ़त जात है हमार CRPF या स्थानीय पुलिस बल के द्वारा उनकर मौजूदगी में सड़क हो चाहे अस्पताल हो चाहे स्कूल हो हमन जतका आगे बढ़ात जात हन वहाँ तो सुविधा मिलत जात है। जहाँ नहीं हो पाए है उखर लिए हमन शहर में रायपुर हो या अन्य जगह में व्यवस्था करे हन और यहाँ तक कि वो क्षेत्र के मन दिल्ली में भी अगर कोचिंग करना चाहते तो वहाँ भी हमर व्यवस्था है और भी अगर महसूस हो ही तो हमन और व्यवस्था करवो उमें हमन कोई कमी नहीं हो अंदर। बिल्कुल और शहर की बात अगर कहूँ देखे जाए तो शहर जब देखे जाते तो बढ़िया चमचमा सड़क सब ला बड़ा अच्छा लगते ब्रिज के भी बहुत जमाना है और ब्रिज एक से एक बनत हावे तो अभी तो चलो आचार संहिता के चलत रुके हावे एक काम ला कैसे ढंग ले आगे बढ़ाऊ काबर की ब्रिज की बहुत जरूरत है शहर के यातायात ला कहूँ डाइवर्ट करना है आपला बदलना है बोझ ला कम करना है तो ये ब्रिज डहर कैसे ढंग से काम करूँ और एक कुछ रूपरेखा बनाए हो? हमारे अलग अलग विभाग है ब्रिज कारपोरेशन ब्रिज के हमारे अलग डिपार्टमेंट है सड़क के अलग है भवन के अलग ब्रिज वाले मन जहाँ जहाँ आवश्यकता है ब्रिज के निर्माण करत जाते हैं। सड़क में जतका जगह पुल बनना है पुलिया बनना है वो तो ओकर साथ बजटे में रहते नया सिरा से कोनो मेर जरूरत है तो हमन बजा हमार जनप्रतिनिधि मन के मांग या अन्य स्रोत से जो जानकारी होते हमन बजट में लेको काम ला पूरा करत हन। रेलवे के अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज के जहाँ जरूरत है वहूल हमन करत हन अभी तक हमन 40-50 टन बना चुके हैं 25 टन इस साल फिर बजट में ले हन तो अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज जहाँ भी जरूरत है ओकरो हमन करेंगे काबर की हमार मेर बड़ा स्पष्ट है कि हमन अधिकारी मन के बैठक लेके जनप्रतिनिधि मन के बैठक लेके या समय समय पे समाचार पत्र मन में आत रहते हमन वह दी समय एक प्रयास करत हन कि समाचार पत्र में जहाँ हमार विषय में कोई चीज़ छपते अच्छा। तो हम तत्काल ओला अपन विभागीय अधिकारी मेरे भेज देते हन कि एक तत्काल प्रस्ताव तैयार करें हमन ओला आलोचना में नहीं लेन या हमार विरोध में नहीं लन कि समाचार पत्र में PWD ऐसे करी या सरकार ऐसे नहीं करते ओला अपन लिए सीख महसूस करथन और तत्काल अधिकारी दे के हम ओकर योजना बनाए के लिए प्रेरित करथन। PWD के कोई बड़े प्रोजेक्ट ऐसे लाइमलाइट में लाना चाहूँ कि अगले 5 साल में वो बिल्कुल पहचान होए कि हाँ भाई कांग्रेस के शासन आई तो शहर ला ये चीज़ मिली इसको ये दिशा में काम करे के सोचा तो कोई ऐसे प्रोजेक्ट कोई ऐसे प्लान हमन दिखाए के लिए कोई काम नहीं करना चाहन कि ये सरकार ये काम नहीं करीस ये सरकार ये काम करीस हम जनता के आवश्यकता के अनुसार काम करना चाहतन जहाँ भी जैन मेरा आवश्यकता महसूस हो ही वो काम हमन ला करना। बिल्कुल ट्रैफिक के थोकन चर्चा हमन कर लन कि साहू जी आप देखो कि एक्सीडेंट चाहे शहर हो चाहे शहर से जब बाहर निकलो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते अब बड़कन जो नियम कानून है पहली सरकार भी लाई से कि आप ला पॉल्यूशन चेक कराना है आप ला हेलमेट पहनना है आप ला ट्रैफिक में नियम रुकना है हवा हवाई हो जाते 4 दिन में बहुत ज़्यादा दिन चले नहीं मनखे माने नहीं आप ला का लगते कि ये दिशा में ठोस कदम उठाए के कतका जरूरत है और ये दिशा में कैसे ढंग से आप मन काम करो? देखो बहुत सारा चीज़ नियम कानून कायदा तो बहुत अकन है नियम ला अगर लागू करे जाए तो जनता कई ठन चीज़ में मुश्किल भी हो जाते पर नियम ला लागू नहीं करबे तो वो हर संभव भी नहीं है वो माने नहीं पर मोर ऐसे मानना है कि कई ठन चीज में हमन NGOs है या समाचार पत्र है या सामाजिक संस्था है इकर मन के द्वारा आम जनता में अवेयरनेस पैदा किया जाए जागरूकता पैदा किए जाए तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आही। अब हेलमेट लगाना है एक्सीडेंट से बचना है तो कतको हमन जांच करवाथन कतको पकड़थन लेकिन हेलमेट लगावे नहीं करें और हेलमेट में हमार पुलिस पकड़ते हेलमेट नहीं लगा हस कि कहे तू हल हमन ला फोन कर हेलमेट नहीं लगा हाँ पुलिस वाले मोल पकड़ ले हेल छोड़वा के तो तो जनता में जरूरत है जनता में अवेयरनेस लाना जरूरी है। जेठन बात जिसे मैं कई बार के हूँ अभी सांसद रहूँ तो मैं जिला सतर्कता निगरानी समिति के सांसद मन अध्यक्ष हुए मैं मीटिंग लाऊँ दुर्ग में बेमेतरा में तो मैं अधिकारी मन स्पष्ट निर्देश ट्रैफिक सेंस बिल्कुल नहीं हो पाते अब बोला लागू कैसे करे जाए सख्ती से भी नहीं हो पाते तो जब तक के जागरूकता नहीं हो ही हम खुद महसूस नहीं करबो हर व्यक्ति महसूस नहीं करी
कि ये मोर जीवन के लिए आवश्यक है, तब तक ये संभव नहीं है। मैं अधिकारी मन ले बोला हूँ कि लाल बत्ती जलते तो गाड़ी रुकना चाहिए, एक आध दिन थोड़ा हम जानबूझ के क्रॉस करत हन और मोरो गाड़ी चलान करो और पेपर में हाईलाइट करो, ऐसे मैं अधिकारी मन ले कहा। अच्छा। एक आध कलेक्टर एसपी जानबूझ के तुमन गाड़ी क्रॉस करो और ओकर बाद चलान करन दो और पेपर में बॉक्स आइटम बनन दो, ऐसे वहू मन ले कहा, ताकि कुछ हो सकते कि जनता में आए। जिसे ट्रैफिक वाले चौक मन में खड़े रहते, सायरन बजत हमार मंत्री मन के गाड़ी या विधायक के गाड़ी गुजरत रहते और लाल बत्ती हो गए तबोल गुजरत है, तो मैं वहूँ मन लगी थो सिक्योरिटी वाले जिन हैं उखर गाड़ी ला तो क्रॉस कराए, लेकिन बहुत बड़े सिक्योरिटी जेकर नहीं है बोला कम से कम हमू मन ला चाही कि हमन उतका बेर जनता के साथ रुकेल सीखन और एहसास करन और बराबर अपन नियम के पालन करन। तो कोशिश ये बहुत अच्छा सोच है, लेकिन मोला लगता है रायपुर शहर के जो मनखे मन है साहू जी वो सब जागरूक हैं, जानत हैं, तब बोले लाल बत्ती देखते हैं तो पता नहीं मोला लगता है कि पार कर दे वो तभी बने हो ही। तो ऐसे दारी में आपने लगता है कि थोकन सख्ती भी जरूरत होती, लेकिन नहीं माने प्यार से थोकन डरायल घरों पड़ते का लगत है आप, मतलब कि सख्ती भी जरूरत हो ही सरकार लाए पर तब कहूँ रुकी की जरूरत तो रही थे, सख्ती बरतते भी पर सख्ती जत कबेर बरतते तो वही बताए ना तुरंत फोन आ जाते कि मोर गाड़ी पकड़ ले मैं ले छोड़वाओ, तो ऐसे एक अवेयरनेस मोर समझ से जनता में लाना जरूरी है कि अनुशासन। जैसे कई ठन देश मन में हमन देखते हैं कोनो मेरे कचरे नहीं फेंकाए, कोनो अस्पताल में जाओ बड़े बड़े भवन में जाओ आपके भवन गुटखा खाते पान खाते थूकना मतलब बड़े अच्छा बात माने जाते, तो मैं कई जगह कहता हूँ अस्पताल में नीचे लाल कलर के पेंट कर दो थूका ते दिखबे मत करे तो अवेयरनेस लाना बड़ा जरूरी है। अच्छा, अवेयरनेस लाए बर कैसे ढंग के काम करूँ, जैसे कि ये होते ना कई बार प्रचार प्रसार है, नुक्कड़ नाटक है, या समय समय में ऐसे कोनो काम करे जाए कि लोगन मन में जागरूकता आए, खास करके गांव गांव के मनखे मन कहूँ शहर में आते हैं तो मतलब ट्रैफिक नियम के बहुत ज़्यादा पता नहीं रहा है, तो ऐसे लगते हैं कि शुरुआत हम लोग गाँव से करना चाहिए, जब नरवा गरवा घुरवा बारी हम गाँव ले शुरू करत हन तो का लगत है कि जागरूकता का अभियान भी हम थोड़ा शहर से दूरिया ले जाकर करन ताकि शहर में आता मनखे जागरूक हो जाए, प्रचार प्रसार के कतका मजबूती हो ही है माँ। ये विषय जरूर जागरूकता कैसे लाया जाए, कानून से सब चीज़ संभव नहीं है, सरकार कोनो हो अपन काम करते सरकार ला जितका समय है सीमा है क्षमता है ओकर अनुसार, और आदमी ये चीज़ में अब कभी कभी मन में सोचता हूँ आदमी ये जाना थे कि ककरो हत्या करे जाए या प्रमाणित हो गए तो लाजन्म कारावास या फांसी होते, ये भारतीय संविधान है सबो जानत, लेकिन ओकर से हत्या करे बंद हो इसका आउ बढ़त गए, तो मोला लगते कि कानून पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल। तो जागरूकता लाए के लिए का करे जाए, मैं या तो मोला लगते स्कूल में कोई एक पीरियड रखे जाए बच्चा मन में प्रारंभिक से, और दूसरा सबसे बड़े मोला लगते घर से होना चाहिए पालक मन से। बिल्कुल। ये दो चीज ज्यादा हो सकते का कि हम घर से या प्रारंभिक घर से और पहली क्लास से, ऐसे लगते धीरे धीरे जिसे सैनिक स्कूल में लेकर भेज देते तो अनुशासन प्रिय होक निकलते, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में भेजत हन तो अनुशासन प्रिय होक नहीं निकलते। बिल्कुल। तो दोनों के बेसिक अंतर है, तो मोला लगते कि ओला अनुशासन ओकर मन में भरे कैसे जाए, बचपन से कहीं ना कहीं से एक शुरुआत होकर होना चाहिए पड़ी। स्कूल के अपन चर्चा करे हो साहू जी, तो स्कूल से मैं एक ठो सवाल ही मैं आगू बढ़ा देता हूँ, लैका मन स्कूल में पढ़े तभी ये जागरूकता आई, लेकिन गाँव गाँव में अभी भी ऐसी स्थिति है कि लैका मन क्या कहूँ पंचायत में पढ़ाते हैं कहूँ पेड़ के नीचे भवत है, स्कूल भवन के निर्माण के दिशा में कैसे ढंग से कामला करे के बात है, क्योंकि कई जगह इसे हमन खबर देखते कि स्कूल भवन नहीं है या बड़े कक्षा में जब जाए के बात होते तो बड़े स्कूल के भवन नहीं है, ये डहर कैसे ढंग से कुछ कर हुआ अपन। अनुमानतः ये समस्या नहीं है, शाला जिसे बन गए है जद का जरूरत है वो तो करीब करीब शहरी अंचल हो ग्रामीण अंचल हो वनांचल हो, स्कूल खोले के साथ बजट में प्रावधान आ जाते तो भवन तो बंद थे, लेकिन दर्ज संख्या बढ़े के कारण मान लो कमरा कम हो गए तो एक कमरा दो कमरा लगातार बनत रहते, पुराना हो जाते वो तोड़ते फिर जरूरत पड़ती है, सतत प्रक्रिया है,
बहुत कमी में नहीं रहा है। नहीं, अभी कुछ दिन पहले हमन खबर भी दिखा रहे हैं, कोरबा के खबर दिखाए जहाँ छेरी संग बैठ के लड़का मन पढ़ा थे, एक स्कूल दिखाए जो है बाजूच में खदान है, ब्लास्ट होते छत में गिरा थे पथरा, तो लड़का मन स्कूल भवन हावे लेकिन भीतरी में नहीं पढ़ाते, छेदा हो गए वहाँ ब्लास्ट से। तो ऐसे जंग के जंग खबर आते और सच्चाई भी है, तो यू डर हमला लगते ना कि थोड़ा सख्त हो की जरूरत नहीं। वही बता ना, साला के साथ भवन तो बजटेड रहते, भवन तो बन गए वहाँ जन आप कहा तो, लेकिन अब खदानों में दे दी जेकर कारण वो हर ये होते नया बना जाए, ये बाद के प्रक्रिया है। अब या तो मेरे खदान देवैया मल नहीं देना रही से, या दिन तीकर ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि स्कूल के तीर में काबर माइनिंग के काम देगी, तो ये अलग प्रक्रिया ये डहार में तो रोकेल पड़ी ना, या तो खदान ला रोकू या स्कूल ला। हाँ, बिल्कुल डहार ध्यान देना चाहिए, स्वीकार करत हूँ मैं बात ला, ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, पर्यटन की अगर हम बात करें साहू जी, तो हमारे छत्तीसगढ़ जो है बहुत समृद्ध है, नदियाँ हो गए, जंगल हो गए, अभ्यारण्य हो गए, बहुत सुंदर सुंदर जगह है। आप लोग का लगत है कि आज के समय में अगर छत्तीसगढ़ में पहचान बनाना है विश्व स्तर में, देश स्तर में, तो पर्यटन ला बढ़ावा दे के बहुत ज़रूरत है। आप लोग नहीं लगे कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो धरोहर है पुरातात्विक हो चाहे सांस्कृतिक हो, आगू लाए के जरूरत है, इहू दिशा में हम लोग काम करे ला पढ़ी। पर्यटन के क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा आगे जा सकते, ये मोर मानना है। माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद दी हूँ कि विभाग लमल दिस विभाग मोरमेर जन है, अभी तक छत्तीसगढ़ में जेकर डहर ककरो नज़र नहीं है, इसे मोर मानना है। धर्मस में मिला के आपके प्रश्न से आगे, धर्मस धार्मिक न्यास संस्कृति पर्यटन पुरातत्व, ये में पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करे की संभावना है। अभी जन काम है तो नेचुरल जन प्रकृति के अनुसार जन पर्यटन है, वहाँ कुछ मोटल बनाना, कुछ हट्स बनाना, कुछ सड़क बनाना, कुछ पचरी निर्माण करना, ये सब किए गए हैं। लेकिन भारतवर्ष के नक्शा में, विश्व के नक्शा में इला आगे ले जाए के लिए बहुत ज़्यादा काम करे की ज़रूरत है। केंद्र सरकार भी काफ़ी योजना बन में उनकर योजना है जेकर तहत प्रस्ताव तैयार करे के भेजे जाए तो पैसा मिलते। मैं अभी मोर हाथ में आए के बाद ये 2 महीना के अंदर पूरा विभाग मन के जब जानकारी ले तो मोला लगीस कि ये सबो विभाग में बहुत ज़्यादा नया सिरा से, यानी कहे जाए शून्य से शुरू करके काम करे के आवश्यकता है सबो क्षेत्र में। तो पर्यटन के क्षेत्र में अभी हमन मई के बाद, मैं मंच में भी कहे हूँ, विधानसभा में भी कहे हूँ कि मई तक सरकार बनी, सत्र हो लोकसभा चुनाव और अभी ये आचार संहिता, तो मई के बाद हम ये सब विभाग में नया सिरा से हमार कार्य योजना तैयार कर चुके हूँ मैं, हाँ, और सबो विभाग में नया सिरा से हमन काम करेंगे। पर्यटन ला आगे ले जाए के लिए प्रस्ताव तैयार कर चुके हैं, केंद्र से कौन कौन सा चीज़ के राशि लेना तेला कर चुके हैं, मोटल मन के उपयोग का करना है तेनल कर चुके हैं, सारा चीज़ हमार। अच्छा, ये तो शुरुआत से बात है कि कोई कोई जगह ऐसे है साहू जी जहाँ नया सिरे से शुरुआत करे जाए, लेकिन कुछ जगह तो ऐसे है जहाँ कुछ नहीं है, तब वो लोग जाते हैं वहाँ पे, जतमई घटा रानी हो गए, तुरतुरिया हो गए, चाहे बलौदा बाजार के बात हो गए, तो ए डहार भी तो जिन जगह मनखे जाते बड़ संख्या में, मुझे लगता है वही अगर विकसित कर दे जाही तो अगर चिन्हारी भी होई और सुविधा मिली तो मुझे लगते लोग और ज्यादा से ज्यादा जाए, वो ही एक तरीका हो सकता है। विकसित करे के लिए ओला बजट तैयार करके और पहले सर्वे करे लगी कि एक स्पॉट जहां आदमी जात है, कतेक संख्या में वहां आदमी जात है, कौन मार्ग साथ है, सड़क है कि नहीं, वहां जाए के बाद ओमन कतेक संख्या में आते अमूमन प्रतिदिन या पर्व में, ओकर अनुसार हमन ला पेयजल के कि विश्राम गृह के कि सड़क के कि होटल के कि का व्यवस्था हम लोग करना है, वो पूरा तैयार करे लगी कार्य योजना और ओकर अनुसार फिर आगे बढ़ाए जाए। अच्छा, जो भी संस्कृति के बात है तो पुन्नी मेला के जिक्र नहीं करूँ तो थोकन बातचीत अधूरा लग जाए। जब राजिम कुंभ ले पुन्नी मेला करेगी तो बड़ा विरोध हुई इसके नाम बदले के का जरूरत रही से, यही नाम के सेती कुंभ के से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिन्हारी हुई से हमार, तो खाली नाम बदले के राजनीति के नाम भी आरोप भी आप मन पर उपलगे से, तो क्या लगा थे ये बदलाव कल आज और कल में कतका अच्छा हो ही, एक दिशा में कैसे ढंग से काम करो। देखो, ये में कहीं कोई राजनीतिक न प्रतिद्वंदिता के बात है, ना हम बहुत अच्छा करत हन उकर से ये बात है, कहीं ऐसी कोई बात नहीं। मोला अच्छी तरह याद है कि मैं खुद भी छोटे रहे हूँ, राजीव माघी पुन्नी मेला में पुराना जमाना के वो इलाका के जतेक रहवैया हो ही राजिम के आसपास दूर तक, मोर एक ठन गांव है धमतरी के आगे
गुरु और धमतरी बालोद के बीच में मोर एक ठन गांव है जी, हम और प्राइमरी शिक्षा हो वहाँ से हमन जतेक मालगुजार परिवार राजिम के आसपास गाड़ी बैला में मालगुजार मनाए पकैया ले आए वहाँ खाना बने 8 दिन रहें और क्षेत्रक मन पूरा वहाँ खाना खाएं। ये मैं खुद भी यहाँ बचपना में राजिम में मोला अच्छी तरह याद है और अंग्रेज मन के जमाना के गजेटियर में भी है बोला निकाल के भी मैं विधानसभा में देखा है राजीव माघी पुन्नी मेला के स्पष्ट हम लिखे हैं। और वो समय आज से 110 साल पहली अंग्रेज मन लिखे है 50,000 के भीड़ रहत रही। अच्छा 110 साल पहली तो इमें कहीं पर भी नहीं पुराना नाम रही से नाम कुंभ बदलेगी हम पुराना नाम मिला है कोई बदलाव नहीं करे हैं ना कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बाद ना कोई श्रेय ले के बाद ना कोनो ला डोमिनेट करे। एक और चीज रही से एक ठन यहू होत रही से कि बीजेपी के समय भी ये देखे जाए कि बाहर बाहर से कलाकार मन ला बुला के पैसा खर्चा करे जात रही से। छत्तीसगढ़ में कला के कमी नहीं है तो कला से जुड़े एक ठन और सवाल मैं करूँ। जब छत्तीसगढ़ी के नाम हमन लेथन तो हमला सुरता आते चंदैनी है सुआ है ददरिया है भरथरी है गम्मत है ऐसे ऐसे चिन्हारी है हमार करा लोक कला के साहू जी जिन नंदाज जात है। आप लगत है कि बहुत जिम्मेदारी आप मन करा है अब छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति ला कैसे ढंग ले बचाए जाही कैसे ढंग से आम मनखे के बोलचाल में लाए जाही ताकि वो जो चिन्हारी थोकन पछुआ गिरी से वो फिर आ जाही और चिन्हारी बन पाई ये रहा कैसे ढंग से काम करो। छत्तीसगढ़ ही संस्कृति छत्तीसगढ़ ही लोक कला के जहाँ तक प्रश्न है एक बात बड़ा साफ कर देना चाहता हूँ। हमन है एक बात बोलें कि अब हमन छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार मल स्थान देवो बाहर के नहीं वो ओकर भ्रम के स्थिति निर्मित हो गई उन्हें राज्योत्सव पर ये बात टिप्पणी रहे है ना कि पूरा कार्यक्रम में। राज्योत्सव में बम्बई के फिल्मी हीरो हीरोइन ले बुलाए जात रही से करोड़ों रुपया दे के ओला हमन कहें कि हमन छत्तीसगढ़ के कलाकार लो में स्थान देवो बिल्कुल बाहर के कलाकार नहीं बुलाए जाए वो परिप्रेक्ष्य में। अब लोक कलाकार एक अलग चीज हो गई। अब लोक कलाकार के प्रश्न है तो उमें बाहर के कलाकारों में नहीं आए ये प्रश्न नहीं है। हम अपन छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला छत्तीसगढ़ घर में समेट के रखा नहीं से बात न है। हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला बाहर वाले भी जाने जाने तो हमार छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार गायक अन्य प्रदेश जाते तो अन्य प्रदेश के लोक कलाकार ला संस्कृति ला छत्तीसगढ़ में आते तो ये दोनों अलग अलग चीजें। लेकिन लोगन एक बात में कर देते हैं बाहर के कलाकार नहीं आना है ओकर विरोध है ये प्रश्न नहीं है दोनों अलग चीज है। तो हम वो चीज ल करें और ओकर बाद जिन आप कहो कि पुराना चीज मन अंदाज जाते होला अभी राजीव मेला में मैं पहला दिन मीटिंग हुई तो हमें स्पष्ट तौर पर हमन निर्देश करें पहली एक ठन मुख्य मंच बने वही में साधु संत महात्मा मन बैठे वही में हमारे राजनीतिक मन भी जान और वो में कार्यक्रम हो वही में हमारे छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार मन के कार्यक्रम हो। मैं अपन अधिकारी मन ला निर्देश दें कि बखत 3-4 ठन मंच बनाओ अलग अलग मेला बहुत बड़े है एक जगह सबो आदमी बैठ के देख नहीं सके एक मंच ए तरफ बनाओ जे में हमारे छत्तीसगढ़ के नाचा चली पूरा जिन नंदाज जात है पूरा नाचा के एक मंच अलग दे दो एक तरफ भरतरी के लिए मंच दे दो एक तरफ पंडवानी के लिए मंच दे दो ऐसे अलग अलग में मंच बनवाए एक तरफ रामायण के कार्यक्रम चलन दो तो अलग अलग मंच बना के हमारे छत्तीसगढ़ के नंदावत जोन चीज है ओला सामने करे के प्रयास करेगी। और मैं आप बताना चाहता हूँ एक ठन बड़ा डोम बनाएं जिनमें छत्तीसगढ़ के सब खेल लो वहाँ शुरू करें हमार बाटी भावरा फुगड़ी कतको जने मर हो ही गाँव के छाया घलो नहीं जाना थे चिचोल भी जम काय खेलत रहे हो जानते का तीरी पासा तीरी पासा हाँ तो मैं उहुल शुरू करवाए सारा चीज ये साल जतका अकन छत्तीसगढ़ के खेल है ओला एक डोम बना के मैं पूरा बड़ा मन से आप जा रहे थे देखते हो एकल बड़े जगह में एक जगह तिरी पासा चला थे एक जगह भावरा एक जगह बाटी एक जगह गोटा सब चलत रहा है मन से बढ़िया बड़ा अच्छा लगा था कि आज हमन साहू जी के मुंह से सुना था कि चिचोल बीजा है बिल्लस है बाटी है बड़ा अच्छा अच्छा नाम है मोला लगते जे नहीं हम बैठे हमें भुला गए हो मोला सुरता आगे हो ही अब बारी आगे है मोला लगते कि बातचीत हो गए है सवाल कहूँ कौन ककरो मन में उठना चाहते तो वो पूछ घलो सका था मैं छत्तीसगढ़ी के बाध्यता नहीं है हिंदी में घलो पूछ सका था माइक देंगे इधर ये कार्यक्रम में बड़ा सुघर ढंग के छत्तीसगढ़ी भाषा में जब चला थे तो बड़ा निक लागत है
एकल्ली हमला बहुत खुशी है हमारे छत्तीसगढ़िया मल्ला। मैं माननीय मंत्री जी से एक ठो बात पूछा था, ये शहर में जन स्काई वॉक जोन बना थे वर्तमान में, एकर का उपयोग हुई 22 फीट ऊपर है, पैदल चलते तेन हा कौन मन चलते, गरीबा मन चलते जेकर तीर रिक्शा भाड़ा पर पैसा नहीं रहा है। सवाल समझ गए मैं, स्काई वॉक है बिल्कुल बड़ा टोटा के फांसी बन गए तैसे ढंग के हो गए, मुसीबत के घड़ी है और अतेक पैसा सरकार के लग गए कैसे ढंग के उपयोग होही, उपयोग होही ये बात के मैं निवेदन पूर्वक के बात ला माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। साहू जी, स्काई वॉक के जन प्रश्न है, अभी विधानसभा में भी प्रश्न आई, समाचार पत्र में भी ये बात आवे, बोला जोन पुराना सरकार है वो का सोच के साहू जी जवाब में लू। हमारे संग में अजीत जोगी जी आ गए हैं, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत हमन करवा देवन, काबर के अजीत जोगी जी पहुंच चुके हैं, अभी हम उनकरों संग बातचीत करबो। जी साहू जी, स्काई वॉक के निर्माण तत्कालीन सरकार के ये कहना है कि वो मेर कचहरी है, अस्पताल है और बहुत व्यस्त जगह है, तो पैदल चलैया अड़बड़ है और मैं ट्रैफिक में बड़ा ये आते तेकर सेती बनाथन, ऐसे उकर सोच और ओकर तहत ओमन निर्माण काम शुरू करे रही ने। हमर मन के आए के बाद जब हम देखे न सब विरोध लकर होइस, विधानसभा में प्रश्न भी आईस, तो हमन ओम जवाब देहन और माननीय मुख्यमंत्री जी है स्पष्ट तौर पर उमें घोषणा कर दे है कि हमन आम जनता से राय लेबो और अधिकारी मन ये निर्देश दे गए है कि वो समय बताइस कि डीके हॉस्पिटल से 27,000 आदमी रैंक थे, वो मेरे लिए 14,000 आदमी रैंक थे, ऐसे सर्वे में उमन बताए गए पुराना, तो अभी नया सर्वे हमन कराए के निर्देश दे देहन कि वास्तविक में कतका आदमी पद या पैदल यात्री उमें चलते, नंबर एक। नंबर दो, वो सड़क में जतका दुकानदार है या व्यापारिक संस्थान है या जैन भी है पूरा सड़क में, ऊकर से राय मांगे जाही कि आप मन एकर काबर की वो आधा तो ज़्यादा बन चुके हैं। अब वो हमारे छत्तीसगढ़ ही एक ठन कहावत है, ना निगलत बनाए न उगलत बनाए, तभी मैं कहूँ टोटक फांस बन गया। इसने का किस्सा है, बोला अगर हम तोड़बो तो बने हैं टेकर ले ज़्यादा पैसा, तोड़ो नहीं लागी और निकालना तो ना तो हमारा निगलत बनाते न उगलत बनाते, तो हमन आम जनता से राय लेना चाहतन कि ओकर का उपयोग किए जा सकते, तो हमन सड़क के दोनों किनारे जतका दुकान या हैं ऑफिस है ओखर मन से हमन जानकारी लेना चाहतन कि का उपयोग एकर किए जाए, ओखर अनुसार जनता के राय के अनुसार हमन ओकर आगे काम बढ़ाऊ। बिल्कुल, अब कोनो सवाल आते इधर ले, ये सामने ममता जी आपके पास सवाल। सबले पहली मैं गृह मंत्री जी ला धन्यवाद देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में ये वार्ता छत्तीसगढ़ी भाषा में रखे है, और मंत्री जी मोला ऐसे लगते हैं आप मन के शासन काल में महिला मन सुरक्षित नहीं है। अभी बेरला में प्राची साहू 10 साल के लड़की तिल जिंदा जलाए गए है, 11 तारीख के घटनाएं आज 18 तारीख हो गए हैं, कुछ कुछ नहीं हुए है, कलेक्टर से भी बात हुई, एसपी से भी बात हुई, मात्र दो जन लोग बुला के पूछताछ करे है, एकर अलावा और कुछ भी नहीं करे है। ऐसे लगते हैं आए दिन पेपर और न्यूज़ ला देख के कि छत्तीसगढ़ अब बिहार बनने है। देखो, एक पर्टिकुलर केस या ओकर संबंध से जानकारी प्रश्न लूँ तो प्रश्न करूँ तो मैं सामान्य जानकारी दूँ, और बिहार या छत्तीसगढ़ के तुलना या राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रश्न आई तो फिर थोड़ा उत्तर दूसरा अलधर ही कि राजनैतिक दृष्टिकोण से भाजपा के दिसंबर से फरवरी तक कतका महिला उत्पीड़न होइस और कांग्रेस शासन काल में कतका उत्पीड़न होइस वो जवाब आही। रही सवाल बेरला के सांकरा गांव के जेकर उल्लेख करे जात है, चूँकि ये वार्ता या ये आज कॉन्क्लेव एक अलग प्रसंग है, कुछ चीज़ बड़ा गोपनीय रहते पुलिस के जांच प्रक्रिया में, मैं ओला बहुत खुला तो नहीं बता सकूँ, पर ममतल में बताना चाहता हूँ, ममता वहाँ जा के देखे जगह ला देखे और ओकर बाद ममता मोल बताए कि घटनाक्रम में का हो सकते। मैं जिन जानकारी ले हूँ, घर वाले हा अपन घर में ताला लगा के अपन दोनों लड़का ला अपन भाई घर छोड़ के बाहर चल दिन, ओकर भाई के संग ओकर दोनों लड़का हावे घर के मन काम करत है, बीच में पर्दा है, सीढ़ी लगा के लड़की वो पार कूद के गीस और 2 मिनट में आवाज़ आई सुकर बयान है। अब वह चारों तरफ से घर बंद है, कहूँ डहर लेना कोनो आदमी के आय का रास्ता है ना जाय का रास्ता है,
अब कौन ओला जलाई सोही ये अब एक प्रश्न चिन्ह है। तो उमे पुलिस सख्त कार्यवाही करत है। अब दू जन ला पूछी सब ज़्यादा टार्चर पुलिस करही तो सामने में तो घरे वाले हैं वही लगर हम बैठार के टार्चर करत हन तहु नहीं बने जानकारी के लिए। तो हमार क्राइम लगे हुए है पूरा, हमार इंटेलिजेंस लगे हुए है पूरा, जानकारी ले थे वो गांव और एकर पहली एक दो घटना घट चुके हैं। तो हमन पूरा तौर पर हमार पुलिस विभाग क्राइम इंटेलिजेंस लगे हुए है। मैं खुद भी बात करत हूँ लगातार एसपी और कलेक्टर से। महिला उत्पीड़न के जहाँ तक प्रश्न है महिला सेल अलग है हमार, कहीं पर भी महिला मन के ऊपर घटना वर्तमान सरकार बने के बाद कम हो है कहीं पर भी नहीं बढ़े, ये बात मैं आश्वस्त कर सकत हूँ। और छत्तीसगढ़ के पूरा महिला वर्ग ला आश्वस्त कर सकत हूँ कि आप ला एक थोड़ा भी आपके ऊपर कुछ होते तत्काल आप जानकारी दो। यहाँ तक कि पुलिस कंट्रोल रूम से अलग हट के मैं खुद भी मोर अपन निवास में एक कंट्रोल रूम बनात हूँ, एक नंबर दो चार आठ दिन में दे दूँ। कोई जगह थाना में आप रिपोर्ट करेल जात हो थाना में रिपोर्ट नहीं लिखाते, तत्काल मोर नंबर पे आप कॉल करो। अब यहाँ से वो कॉल जाही रिपोर्ट करके तत्काल जानकारी दी ही। ये मैं पूरा प्रदेश के लिए एक नया व्यवस्था करा। बहुत अच्छा बात आप मन के हो। एक ठन मोला लगते कि सब बातचीत हो गए तो एक ठन छूटा तो हुल पूछे डरों में है। फिल्म विकास के बात करें कहूँ हम साहू जी, तो छत्तीसगढ़ में आप देखो कि बहुत तेजी से फिल्म बनत रही से, बीच में एक दौर आई इसके नहीं बनत रही से। फिल्म विकास निगम के जो गठन करी श्रवण सिंह है ओ डहार अब कैसे ढंग के काम करूँ, काबर के यहाँ मुंबई से भी लोगन आके अब फिल्म बनाते हैं, छत्तीसगढ़िया फिल्म भी बनाते हैं, तो ये डहार में मोला लगते कुछ करना चाहिए सरकार ला। निश्चित तौर पर जैसे मैं कहूँ कि छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति पर्यटन धर्मस्व धार्मिक न्यास में बहुत ज़्यादा काम करे की जरूरत। मैं धर्मस्व के एक बात करके फिर आपके फिल्म विकास ला बात करूँ। धर्मस्व एक शब्द है लेकिन आज तक ओला समझ भी नहीं करे हैं आदमी, और धार्मिक न्यास ला ना ओढ़ हर काम हो। धर्मस्व का मतलब ये है जहाँ जहाँ मंदिर है और जहाँ मेला लगते। तो मैं अभी हमारे यहाँ से कलेक्टर ला निर्देश करत हन कि वो अपन पटवारी के माध्यम से, काबर सबसे छोटे इकाई गाँव पटवारी है, जिला पंचायत के सीओ हमन निर्देशित करत हन कि अपन जो सचिव है पंचायत के वो सबसे छोटे इकाई कौन गांव में मंदिर है, कब से है वो मंदिर, कब मेला लगते, बारह माह दर्शनार्थी आते कि मेला पर्व में आते, वो सब हमन ला दे। तो मंदिर के रख रखाव जीर्णोद्वार मेला के लिए व्यवस्था ये धर्मस्व के अंदर आते, पर अभी तक कुछ हो नहीं है। मैं धार्मिक न्यास के मतलब ये है कि मंदिर मन में ट्रस्ट होते और सैकड़ों एकड़ दान दे दें, और कई ठन ट्रस्ट में ते हैं जन बैठे हैं तेन दारू पी कुड़ाते वाले बात। तो हमन धार्मिक न्यास के जरिए पूरा छत्तीसगढ़ के अंदर जतका ऐसा ट्रस्ट है मंदिर है जमीन है और जेकर ट्रस्ट नहीं बने हैं या समिति गठित नहीं हो है, हम वो तरह पूरा नया सिरा से अभियान करके करे बढ़ जात। वैसने आप जन करे बात फिल्म विकास निगम के, फिल्म विकास निगम के तहत हमन ये विचार रखे हन कि आचार संहिता खत्म होए के बाद फिल्म के क्षेत्र में काम करैया हमर छत्तीसगढ़ के जतका कलाकार हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो प्रोड्यूसर हो फाइनेंसर हो हमर एक्ट्रेस हो, ये मन ला एक मीटिंग बुलाबो और मीटिंग बुला के वही मन ला पूछबो कि आप मन के अनुभव के आधार पे हमला एक सुझाव दो कि फिल्म विकास निगम के माध्यम से छत्तीसगढ़ में फिल्म के निर्माण कैसे कैसे करे जाए का करे जाए, ताकि हम छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला अपन फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित करन जागरूकता करन, ये हमार मन के सोच है। आने वाला समय में हम उकर से चर्चा करके जरूर करबो। तो हर पहलू में जतका में सवाल करे हो बहुत अच्छा जवाब आप मन दे हो, बहुत अच्छा लगी बोला आप संग गोट बात करके, कबर के फिर इधर ही हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी आपका, और जिस तरह से जी द्वारिका जी जी समय बहुत संक्षिप्त है सर, बहुत संक्षेप में एक सवाल अपना ले लीजिए। जी 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 वो सेल अभी वर्तमान में खत्म कर दिए गए हैं, वो कर कारण का है कि अतिक बड़े सेल बने रही से आप खत्म करवाए हो। देखो हमन है कोई चीज लब करथन तो कर पीछे के कारण रथे, क्राइम ब्रांच ला हमन भंग करें लेकिन ओकर जगह में सीआईडी ला हमर मन के एक मजबूत करत करे हन। क्राइम ब्रांच अलग अलग का हो रही से कई जगह बहुत सारा चीज बोले नहीं जाए, क्राइम ब्रांच वाले घूमत हैं फिरत हैं वहाँ जाते हैं जबरदस्ती कुछ, तो हमन क्राइम ब्रांच भंग करके सीआईडी ला मजबूत करे हन। और सीआईडी में
वो दिशा में प्रशिक्षित जरा यंग और इंटेलिजेंस में जरा माहिर ऐसा आदमी मतलब एसपी डीआईजी आईजी करके हमन सीआईडी काफ़ी मजबूत करा था वो दिशा में हमन कोई चीज़ बंद नहीं करा था। जी 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 बहुत संक्षेप में मंत्री जी, संक्षेप में एक आदरणीय मंत्री जी विधायक जी थोड़ा जनता को भी बोल रहे जी जी संक्षेप में सर जी बिल्कुल संक्षेप में सीधा सवाल मंत्री जी चूंकि आप पर्यटन मंत्री हैं 2013 से होटल मैनेजमेंट का कॉलेज 16 करोड़ रुपए खर्चा करके बन चुका है और जिसमें 6 करोड़ रुपए हम लोग तनख्वाह भी दे चुके हैं और कॉलेज नहीं है छत्तीसगढ़ में पहला बैच कब आएगा ये क्या बता सकते हैं आईबीसी के इस मंच से जवाब पॉलिटिकल नहीं प्रॉमिस वाला सवाल आपका थोड़ा स्पष्ट नहीं है थोड़ा सा माइक पास रखिए और स्पष्ट होटल मैनेजमेंट 2013 होटल मैनेजमेंट कॉलेज कॉलेज होटल मैनेजमेंट से जुड़े कॉलेज के जानकारी 2013 में रमन सिंह जी ने बनवा दिया ऊपर वाला नया रायपुर में है 16 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं ठीक है ठीक है होटल मैनेजमेंट के कॉलेज के होटल मैनेजमेंट कॉलेज के बारे में प्रॉमिस इस मंच से वो चाहते हैं कब से वो कर शुरू करेगा उसका बजट 6 साल हो गया सर उसको बने हुए 16 करोड़ रुपए सरकार के खर्चा हो चुके हैं और 6 करोड़ रुपए तनखा बढ़ गई एक भी बैच पास आउट नहीं हुआ हमारे नौजवानों को जी जी ठीक है सर जवाब मिलेगा जी मैं उसको दिखवा लूंगा देख के बता दूंगा आपको जानकारी दे दूंगा चलिए जोरदार तालियां बजाइएगा मंच के लिए अगले सेशन में मैं आपका भी सवाल लूंगा सर हमारे साथ में तमाम अतिथिगण मौजूद एक मिनट साहू जी प्लीज आप विराजमान रहिएगा मैं राजेंद्र गोयल जी एमडी गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज से रिक्वेस्ट करता हूं सर प्लीज इतना समय हमें दिया है गृह मंत्री जी ने तामराज साहू जी ने आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हम सब की तरफ से एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट हम देना चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद तामराधा साहू जी आपका